हम बात करते हैं लेक्चर 6 में सेंट्रल नर्वस सॉरी ह्यूमन नर्वस सिस्टम का तीसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। वैसे तो ये स्वायत्त तंत्र की जो खोज है वो लैंगलेने की थी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज और दूसरी सबसे खास बात इसकी ये है कि ये इनमें मोटर तथा सेंसरी दोनों प्रकार की तंत्रिका का अभाव होता है, यानी कि दोनों प्रकार की कार्यों से काम नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती है। ये अनैच्छिक पेशियों तथा ग्रंथियों की तंत्रिकाएं प्रदान करती है। क्या करती है अनैच्छे पेशियों तथा ग्रंथियों को तंत्रिका प्रदान करती है। दूसरी इंपोर्टेंट बात यह है कि ये स्वायत्त तथा नियंत्रण रहित होती है। अगली इंपोर्टेंट बात इसकी ये है कि ये यकृत तथा तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखलाओं से भरी होती है। ये गैंग्लियों तंत्रिका गुच्छक तथा एक जोड़ी से मिलकर बनी होती है। एक्टिवन यानी कि तंत्रिका गुच्छक उस स्थान को कहते हैं जहां पे दो तंत्रिकाएं तंत्रिकाओं के आपस में एक समूह इकट्ठा हो जाता है जिसे भी सारी तंत्रिकाएं निकल के जाती है। तंत्रिका गुच्छक एक एक्टिवन कहलाती है जो कि रीढ़ की हड्डियों के दोनों तरफ उपस्थित होती है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है ये मुख्य रूप से प्रेरक तत्व है जो अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। ये एक प्रेरक तत्व है जो कि अंतरांगों की अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है।
जो हमारे शरीर के अंदर पाया गया है विभिन्न प्रकार के अंग, जैसे किडनी है, हार्ट है, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और बॉडी के अंदर जितने भी अंग तंत्र सिस्टम उपस्थित है उन सब की अनैसी क्रियाओं का नियंत्रण ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। अब होता क्या है, ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है आपका दो प्रकार का होता है, इसे इसमें कहते हैं अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसे कहते हैं परमकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसका स्वरूप ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का दो प्रकार का होता है, अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। अब इन दोनों के कार्यों के बारे में पता लगाएं, तो इनके कार्यों को हम, इनके प्रभावों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो हम ऐसा करके हम इनका अंतर कर सकते हैं। एक तक हमने लिया अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये हृदय की धड़कन को बढ़ाता है और ये हृदय की धड़कन को कम करता है। हृदय की धड़कन को बढ़ाता है और ये हृदय की धड़कन को कम करता है। हृदय की धड़कन को बढ़ाने का प्रेरित करने का काम करता है, जबकि पैरानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है वो हृदय की धड़कन को कम करने का काम करता है। ये एडिनल ग्रंथि के श्रावण को बढ़ाता है, एडिनल ग्लैंड के श्रावण को बढ़ाता है और ये एडिनल ग्रंथि श्रावण को कम करता है। ये एडिनल ग्लैंड के श्रावण को कम करता है। ये तो अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है वो है
जाने वाली
इसका छठा कार्य और पहला संख्या तटिक है, ये सभी रुद्रवाणी को फैलाता है और अंतराल को कम करता है, ये समस्त रुद्रवाणियों को फैलाता है और रक्तचाप को कम करता है। अगला जो कार्य है सातवां वो है ये मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को चलाता है और ये यूरिनरी ब्लैडर को सिकोड़ता है। Okay.
करता है, जबकि ये लाल रंगों के श्रावण को बढ़ाता है। भारत में लाल रंगिया पाचक तंत्र के रूप में जानी जाती है, जो कि तीन प्रकार की होती है, पैरोटिक, सेमेंसरी और सबलिंगुअल। प्रकार की तीन प्रकार की लाल रंगिया है, इसके द्वारा लाल स्थान कहता है और लाल में पाचक तंत्र बैठते हैं, जिन्हें मैले उद्वेग कहते हैं, जो कि मुख्य रूप में पाचक का कार्य करते हैं। और इनका जो श्रावण है उसको नियंत्रित किया जाता है ऑटोनोमस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा, जिनमें से सिंपैथेटिक जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है अपना की तंत्रिका तंत्र को लाल रंग के द्वारा स्वायत्त होने वाले हार्मोन को कम करता है और ये श्रावण को बढ़ाता है। अगला है अपना ये आहार नाड़ी के तमाम कुंजों को कम करता है, फैलाता है। तो ये है अनुपम्पी और पार्श्वम्पी तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण।
कि किस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग दानों को नियंत्रित करने का काम करता है, ये शारीरिक और उनकी क्रिया शक्ति को नियंत्रित करता है। अगली बात करते हैं अगले लेक्चर में, और उसके बाद हम देखते हैं तो डायग्रामेटिक तरीके से देखेंगे कि कंपाउंड तंत्र और प्रारंभ की तंत्रिका करके किस प्रकार से शरीर के अंदर व्यवस्थित होता है और किस प्रकार से अपने शरीर की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य